चुनाव प्रचार बहुत बढ़िया चल रहा है। क्या उम्मीदें हैं क्षेत्र की जनता से? बहुत उम्मीदें हैं, सब समाज मेरे साथ है। आगे क्या करना चाहती हैं? आगे सड़कें बनवानी है, साफ सफाई व्यवस्था देखनी है। और क्षेत्र की आप क्षेत्र में जा रहे हैं, क्या कह रही है क्षेत्र की जनता आपसे? सब सपोर्ट कर रहे हैं हम। आगे क्या करना चाहते हैं? और अच्छे काम करना चाहते हैं। अच्छा, आप निर्दलीय हैं और उसके बाद भी आप चुनाव मैदान में हैं। भारतीय जनता पार्टी से आपके पति चुनाव मैदान में रहे थे और पार्षद भी रहे, उसके बाद आपको निर्दलीय के रूप में आना पड़ा, क्या लगता है? जीतेंगे। नमस्कार, मैं हूं अंकित चौहान और एक बार फिर मैं लेकर हाजिर हूं, मैं भी हूं मैदान में कार्यक्रम लेकर। आज हम पहुंचे हैं वार्ड 17 में, जहां पर गंगाराम सैनी जी अब तक भारतीय जनता पार्टी के साथ रहे, लेकिन उन्होंने इस बार निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में अपनी पत्नी का नामांकन कराया, पर्चा दाखिल कराया और उसके बाद में क्षेत्र की जनता के पास पहुंचे। देखना यह हुआ कि 29 तारीख में इनके ऊपर क्षेत्र की जनता कितना भरोसा जताती है। लेकिन उससे पहले क्षेत्र की जनता के लिए आखिरकार इनके पास क्या मुद्दे हैं और किन मुद्दों को लेकर क्षेत्र की जनता के बीच में जा रहे हैं, इन्हीं सभी सवालों के जवाब हासिल करने के लिए आज हम इनके पास पहुंचे हैं। आपका हमारे इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। हम सबसे पहले जानना चाहेंगे कि आखिरकार क्या मुद्दे हैं आपके क्षेत्र के विकास के लिए? क्षेत्र के विकास के लिए मेरे पास पहले भी बहुत मुद्दे थे और आज भी बहुत मुद्दे हैं। मैंने पहले भी बहुत विकास कार्य कराया है और जो रहा सहा बाकी रह गया थोड़ा बहुत वो मैं अब कराऊंगा। रहा विकास का कार्य तो मैंने अपने क्षेत्र में 9 करोड़ रुपए का कार्य कराया है और 540 लाइटें लगवाई हैं, 2 समरसेबल पंप लगवाए हैं और मेरे यहाँ 1 पानी की टंकी बनी है। उसके बाद भी मेरी सड़कें काफ़ी ख़राब हैं, उसका कारण है एल एन टी ने जगह जगह रोडें काट दी और वो दुरुस्त नहीं कर पाई, वो दिक्कत है। वो LNT करे या निगम करे, वो काम दोबारा होगा, उसको मैं कराऊंगा। रहा सफाई की बात, सफाई थोड़ी ढीली चली, उसका कारण भी कुछ रहे। नगर आयुक्त से हमने बात करी सफाई के विषय में, जो पूर्व नगर आयुक्त रहे थे उन्होंने कहा था मेरे ऊपर आजम खां का दबाव है, उस चक्कर में वो सफाई व्यवस्था बढ़िया नहीं कर पाए। और आने वाले समय में अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वो सफाई को लेकर चल रही है, तो मुझे लगता है कि सफाई का काम बढ़िया चलेगा। रहा मेरा सवाल कि मैं भारतीय जनता पार्टी छोड़ के निर्दलीय चुनाव लड़ रहा हूँ, मैंने भारतीय जनता पार्टी नहीं छोड़ी है, मैं भारतीय जनता पार्टी का था, भारतीय जनता पार्टी में हूँ। भारतीय जनता पार्टी ने ना ही मुझे निकाला है ना मैंने भारतीय जनता पार्टी छोड़ी है। रही चुनाव की बात, मेरा टिकट काट दिया गया, मुझे नहीं समझ में आ रहा मेरा टिकट पार्टी ने क्यों काटा। ये जनरल सीट हुई थी, यहाँ पर जनरल के 7 दावेदार थे जिन्होंने पार्टी में काम किया, किसी एक को टिकट देते तो मैं उसको चुनाव लड़ाता, एक भार का प्रत्याशी लाके उसको टिकट दिया पार्टी ने, जो पार्टी में उसका कोई जनाधार नहीं, ना पार्टी उसने ज्वाइन करी थी, उसके बाद भी उसको टिकट दिया गया। तो इसलिए मैं चुनाव लड़ रहा हूं और मेरे समाज, सब समाज, सारी जनता मेरे पार्ट की, चाहे कोई धर्म की हो, सब मेरे साथ है, सबके मैं साथ हूं और एक एक वोट मुझे मिल रहा है, मैं कहीं भी पीछे नहीं हूँ समाज के साथ में, सभी समाज मेरे साथ चल रहा है और मुझे प्यार मिल रहा है समाज का। लेकिन देखिए, अभी आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी आपने छोड़ी भी नहीं कहीं ना कहीं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो प्रत्याशी है उसको तो कहीं ना कहीं आपसे नुकसान हो रहा है। देखिए, नुकसान भारतीय जनता पार्टी को तब होता जब भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी के रूलों को जानता होता, उसको तो खुद नहीं मालूम भारतीय जनता पार्टी क्या चीज है, उसको टिकट दे दिया गया, उसको OBCD नहीं मालूम। भाई, भारतीय जनता पार्टी में उसने काम किया होता उसको पता होता पार्टी क्या चीज है, वो कोई पार्टी का प्रत्याशी नहीं है, वो तो बस पता नहीं, समझ में नहीं आया क्यों पार्टी ने उसको टिकट दिया डमी कैंडिडेट के रूप में, मेरे समझ नहीं पा रहा हूँ, और उसको टिकट दिया है, अब वो
अच्छा, एक तरीके से अगर देखें कि जिस तरह से एक फिजा बनी हुई मुरादाबाद में और एक हवा चली है कि और सूत्रों का भी अगर हम बात माने तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उन्हीं की गलत दिशा निर्देश हुए हैं और उन्हीं की गलत फहमी की वजह से इस तरह की टिकट जो थे वो काटे गए। जी हाँ जी हाँ जी, ये भारतीय जनता पार्टी की गलत पता नहीं क्या रहा, वो हमें जानकारी नहीं, उसके बारे में हम नहीं बता पाएंगे क्योंकि भाई पार्टी का संगठन का काम है, संगठन जाने क्यों ऐसा करा गया, किस किसके निर्देश के अनुसार ही कार्य किया वो तो हमें नहीं मालूम, लेकिन काफी टिकट गलत काटे गए हैं जो नहीं काटने चाहिए थे। माने कि आपकी सीट पक्की थी? मेरी सीट पहले भी पक्की थी, मेरी सीट आज भी पक्की है, मेरी जनता का प्यार पिछली बार भी मिला था, मुझे जनता का प्यार अब भी मिल रहा है और मैं जीत मेरी पक्की है निश्चित। भारतीय जनता पार्टी के सामने आप खड़े हैं, उसके बाद में अगर जीत हासिल होती है तो क्या वापस भारतीय जनता पार्टी का ही दामन था? मुझे भारतीय जनता पार्टी ने निकाला ही नहीं, जो मुझे दोबारा उसमें जाने के पड़े, मैं तो पार्टी में था, पार्टी का हूँ, पार्टी का रहूंगा, ये अभी डिसीजन बाकी है, ये पब्लिक को छोड़ दिया है, पब्लिक क्या कहती है। क्या उम्मीदें हैं क्षेत्र की जनता से? क्षेत्र की जनता से मुझे बहुत उम्मीदें हैं भाई, मैंने विकास कार्य बहुत किया है, बहुत कार्य किया है और किसी को मैंने निराश नहीं किया। हाँ हो सकता है भाई 17,400 कुछ वोटों का मेरा वार्ड रहा, अगर 2-4, 10-5 लोग निराश भी होते हैं, एक परिवार होता है, परिवार में 5 सदस्य होते हैं तो जरूरी नहीं कि सारे एक अपने बाप से 5 औलाद सभी खुश रह पाए, कहीं ना कहीं नाराजगी तो मैं नहीं समझता मेरे से कहीं नाराजगी भी जनता है, सब मेरे साथ है, कोई नाराज नहीं है मुझसे, सबका प्यार सम्मान मुझे बहुत मिल रहा है, मुझे वोट के रूप में सबका प्यार मिल रहा है, हर आदमी मुझे वोट देना तैयार है और मैं वोट सबका पा रहा हूँ और मैं जीतूंगा। क्षेत्र की जनता से अपील करूंगा, क्षेत्र की जनता से मैं यही अपील करूंगा, आने वाले 29 तारीख के चुनाव में अपना कीमती वोट देकर अपने प्रत्याशी को कामयाब बनाएं। तो ये हमारे गंगाराम जी जिन्होंने हमारे सवालों के कुछ जवाब दिए हैं, क्षेत्र की जनता पर भरोसा जताया है, लेकिन देखना ये होगा कि 29 तारीख में क्षेत्र की जनता इन पर कितना भरोसा जताती है और 1 दिसंबर को किसके सिर पर ताज सजेगा, ये आने वाला वक्त ही बताएगा।